दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ये वो खिलाड़िया है जो पहले अपने दोस्त की वाइफ के साथ मनाए रंग रलिया, फिर करी शादी। हॉट अंदाज में मालदीव में एंजॉय कर रही कटरीना कैफ। स्कूल टाइम में कुछ ऐसे दिखते थे बॉलीवुड ये स्टार्स। अब खबरें विस्तार से। दोस्ती दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा तोहफा होता है, लेकिन अगर यही दोस्ती टूट जाए तो वह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही एक मामला आज आपको हम बताने वाले हैं। क्रिकेटर मुरली विजय और दिनेश कार्तिक बहुत ही शानदार दोस्त हुआ करते थे। यह दोनों अच्छी दोस्ती में थे। IPL 5 यानी 2012 में दिनेश कार्तिक और उनकी वाइफ निकिता साथ में थे। उसी वक्त मुरली विजय की पहचान दिनेश कार्तिक की वाइफ से हुई। इसके बाद गुपचुप तरीके से दोनों मिलने लगे। मुरली विजय और निकिता के बीच अफेयर का पता चलने के बाद कार्तिक ने तुरंत तलाक ले लिया। तलाक के वक्त बताया गया कि निकिता प्रेग्नेंट थी। उसके बाद निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। निकिता और मुरली विजय के 3 बच्चे हैं। और बता दे कि दिनेश कार्तिक और निकिता के बीच हुई शादी 5 सालों तक चली थी, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने इंडियाज कवेश प्लेयर दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। इन दोनों ने अगस्त 2015 में शादी की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों मालदीव में समर वेकेशन का लुत्फ उठा रही है। वह अपने करीबी और दोस्तों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही है। कैटरीना कैफ ने खुद अपने इंस्टाग्राम से कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में कैटरीना कैफ ने रेड बिकनी टॉप पहना है। उनके द्वारा ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फैंस उनकी तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग कैटरीना के फोटो को लाइक किए जा रहे हैं। बता दे कि कैटरीना कैफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ से पार हो गई है। कैटरीना फिल्म भारत की शूटिंग खत्म करने के बाद मालदीव पहुंची थी। हार्मोन के हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। यही कारण है कि हम बचपन में और बड़े में कुछ और दिखते हैं। ऐसे ही कुछ सितारे हैं जो स्कूल टाइम ऐसे दिखते थे, जिसमें रणवीर सिंह, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, सुशांत सिंह राजपूत और आदि के नाम शामिल है। स्कूल टाइम में कुछ ऐसे दिखते थे बॉलीवुड के सितारे सलमान खान। जेनेलिया डिसूजा ने अपनी पढ़ाई बांद्रा के अपोस्टोलिक कार्मेल के हाई स्कूल से की और बाद में उन्होंने मैनेजमेंट शिक्षा में उपाधि लेने के लिए सेंट एड्रोस कॉलेज में दाखिला ले लिया। जेनेलिया को पढ़ाई के साथ खेल भी काफी पसंद था। अनुष्का शर्मा स्कूल के दिनों में काफी इनोसेंट नजर आने वाली अनुष्का शर्मा आज ऐसी नजर आती है। बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद आज सफल एक्टर है अनुष्का शर्मा। रणवीर सिंह को देख सकते हैं, वे बचपन में भी उतने ही शरारती दिखते थे जितने आज हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बचपन को देख सकते हैं, कितने सीधे और क्यूट लगते थे वो देखने में। सुशांत सिंह राजपूत बचपन में बिल्कुल ही साधारण बच्चों की तरह ही दिखते थे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।